आपने अभी खासकर हॉट टॉपिक चल रहा है नीरज चोपड़ा का, जो कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आया था। जैसे उसने थ्रो को फेंका था ना, उसे पता था कि ये थ्रो मैंने बहुत फेंक दिया है सही से। या देखा होगा वीडियो कई बार कई लोगों ने क्लिप पे, कि फेंकते ही वो देख नहीं रहा कि थ्रो गिरता कहां से, वो तुरंत पता उसको पता चल जाता है कि यस मैंने ये भाला उतनी तेजी से फेंक दिया है कि ये जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। दैट्स द कॉन्फिडेंस आई वांट इन यू, कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सीएसआईआर का एग्जाम दे के आ गए तो आंसर की चेक करने की भी जरूरत ना पड़े कि मैं क्वालिफाई करता हूं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैंने वो कर दिया। And that's what I feel in my efforts. मैं अगर क्लास में जुड़ता हूँ और पूरे डिलीवर कर दूंगा तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये जो है मुझे पता है कि मैंने वो डिलीवर किया और आपने वो चीज की है। ये चीज होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता, पढ़ के आता, क्वेश्चन सॉल्व करके आता, कंसिस्टेंटली लगे रहने पे आता है। रातों रात कोई भी टॉपर नहीं बनता, रातों रात कोई भी जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनता, कोई एमएस धोनी नहीं बनता, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। मेहनत चाहिए होती है। कितने भी बड़े नाम ले लो, कितने भी छोटे नाम ले लो, जो भी कामयाब हुआ है वो मेहनत किया है, रातों रात नहीं होती चीज, ये ध्यान रखना। सो कंसिस्टेंसी, मेहनत, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी, डिसिप्लिन, ये सब चाहिए होता है। डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, पूरा मेहनत लगाओ, तब जाके कुछ निकलेगा। आप लोग एक रात में, एक दिन में सब कुछ क्रैक कर देना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं स्पेशल क्लासेस में देखता हूँ या यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई भी फालतू का टॉपिक स्ट्रेटजी नॉल का जो है लेके आओगे तो सब देखने आ जाएंगे, लेकिन जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आते हो स्पेशल क्लास के आधे बच्चे गायब हो जाते हैं। प्लस वाले तो जिनको पढ़ना रहता है वो रहते हैं, लेकिन क्यों मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको पढ़ना है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितने भी जो भी स्पोर्ट होता है वो आपको उसके हिसाब से काम, क्रिकेट खेलना है तो आपको बैट बॉल खेलने आना चाहिए, जैवलिन थ्रो फेंकना था तो आपको कंधे में जान होनी चाहिए, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दिमाग में जान होना चाहिए। दैट्स द केस। एंड ये कंडीशन तब आएगा जब आप खुद पे यकीन करेंगे। खुद पे यकीन करिए, मेहनत करिए, लगे रहिए, देर नहीं दुरुस्त नहीं, सुबह तो जरूर होगी, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए। यू हैव गट्स, एवरीवन हैव गट्स, एवरीवन हैव द कॉन्फिडेंस, एवरीवन हैव द कैलिबर। जितने भी लोग दुनिया में पैदा हो गए हैं एक नॉर्मल बॉडी के साथ, उन सभी के पास वो कैपेसिटी है सीएसआईआर क्रैक करने की, लेकिन कर बस वही पाता है जो मेहनत करता है। कैपेसिटी और कैलिबर सभी के पास है, लेकिन परसिस्टेंट एंड हार्ड वर्क किसके पास है वही डिसाइड करता है कि कौन जो है आगे बढ़ेगा। You all have that caliber, that skill, that everything. But कौन कितनी दिन तक consistently मेहनत कर पाता है, वही आगे जाएगा। लगे जाए, लग जाइए अभी से भी, because your effort will make yourself proud one day. आपकी मेहनत आपको एक दिन गर्व महसूस कराएगी अपने ऊपर। करिए मेहनत, करिए, देखिए, दिखाइए that I can do it. मैं नहीं तो कौन करेगा, मेरे से बेहतर कौन है। फील करिए, इंजॉय करिए अपनी कंपनी को, इंजॉय करिए लाइफ साइंस को। दिस इज द टॉपिक जो मुझे उठा के ले जाएगा, फोड़ देगा। कुछ ऐसी चीजें फील करिए, ये चीजें आपको एकदम उस एरा में ले जाएंगी जहां पे आपको एवरेस्ट भी जो है वो छोटा लगने लगेगा। ये सब कुछ यहाँ का खेल है। यहाँ से हार गए ना तो सबसे हार गए। जो मन से हार गया वो जग से हार गया, और जो मन से जीत गया वो दुनिया जीत गया। ये चीज इससे जीतो, पहले अपने मन की लड़ाई पहले अपने मन से लड़ो। दैट आई एम नॉट लाइक अफ्रेड, आई एम नॉट फीलिंग अफ्रेड, आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि सैटर्ड, आई एम नॉट फीलिंग कि मैं नहीं कर सकता। यस आई कैन, मेहनत ही तो करना है, क्यों नहीं कर सकते। क्या बचपन में पढ़ाई नहीं करी थी? बचपन में भी तो मेहनत करा था, इतने स्कूल्स, इतने टेबल्स, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, याद तो हुआ था ना। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं।
करना चाहोगे तब बिल्कुल हो सकता है, करो, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो सेकंड ओपिनियन, नो सेकंड थिंग्स। कूद गए हैं तो अब तो छलांग लगा ही दिया है, अब तो तैर के जाना ही है, जाना है बस, अब वापस बैक ट्रैक करने का कोई रास्ता नहीं है। अब इतने दूर तक आ चुके हैं, इतनी दूर से अब मंजिल करीब है, अब हताश नहीं होना, एनर्जी बरकरार रखो, अपने पॉजिटिवनेस को बरकरार रखो, लगे रहो। यहाँ यहीं पे कई लोग बिखर जाएंगे और यहीं पे अगर आपने मेहनत किया तो आप निखर जाएंगे, ध्यान रखना। यही मौका होता है जब सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, वही मौका होता है बिखरने और निखरने का। तो जब सारी दुनिया ये कहने लगे कि बेटा आपसे नहीं हो सकता, जब दुनिया आपसे कहने लगे कि आपसे नहीं हो सकता, वही सबसे सही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। और जिस दिन ये दुनिया आपसे भरोसा छोड़ दे, वही सबसे अच्छा मौका होता है कुछ कर दिखाने का। सो करिए, मेहनत, एफर्ट, परसिस्टेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, योर बेस्ट, एवरीथिंग, जस्ट गिव योर ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ टू योर करियर, दिस विल गिव यू एंड दैट अमेजिंग फील जो कि आपको कभी भी उदास नहीं होने देगा। एक बार क्वालिफाई करोगे जब ना, तो उसके बाद एक ऐसी फील आएगी, यस यस कर लिया मैंने, ये होना चाहिए। एंड कुछ भी हो जाए करना है, यस आई डिड इट, ये होना चाहिए। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब अपनी जगह है, जीत लाओ, करके दिखाओ बस। मोटिवेशन आज है कल नहीं होगा, इंस्पिरेशन आज है कल नहीं होगा, जो चीज आपके साथ है वो है आपकी जिद, वो लेके रखे रहो अपने पास। जिद चाहिए मुझे, मुझे चाहिए जिद, मुझे मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं मतलब है, मुझे जिद चाहिए, करना है तो करना है, दैट्स इट, करना है बस, कुछ नहीं सुनना मुझे, करना है तो करना है, आगे पीछे कुछ भी आए देख लेंगे, कोई भी परेशानी आए देख लेंगे, कोई भी हर्डल्स आए देख लेंगे, बस जिद्दी बनना है, करना है मुझे, कैसे भी करना है, दिन रात मेहनत करनी पड़े करूंगा, दुनिया से लड़ना पड़े लड़ूंगा, चाहे मुझे जैसे भी आगे बढ़ना पड़े मैं बढ़ूंगा, लेकिन मैं करूंगा। That's the attitude. बिल्कुल दिल लिए जिद्दी है, चलो करके दिखाओगे, सर दिखाई देंगे क्या, दिखाना है, क्योंकि अगर करके नहीं दिखाए तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखना, कोई भी नहीं, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है और उस इज्जत को इतनी बढ़ा दो कि कुछ लोग आपसे नफरत करने लगे। दुनिया में जब आपके इससे नफरत करने वाले लोग बढ़ने लग जाएं, समझ जाओ कि आपकी इज्जत बढ़ रही है जनाब, आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। और जब आपसे सब प्यार करते हैं ना, वो अलग ही लेवल का कंडीशन है, यू विल लाइक चीजें जो है निकालना है, फोड़ना है, करना है, 140, 121 जो भी करना है, जैसे भी करना है वो करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे कोई रिस्पेक्ट, कोई क्रेडिट, कुछ भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट दैट हैप्पीनेस ऑन योर फेस आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एसआईआर,
मुझे आपसे CSIR की वो खुशी चाहिए जो आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए, मुझे उसका सर्टिफिकेट डिग्री से मतलब नहीं है, वो सुकून वो पीस चाहिए जो कि मैं आपके थ्रू फील करना चाहता हूँ। यस आई डिड इट, वाओ मजा आ गया, ऐसी फील चाहिए आपके अंदर, वो दिखाओ मुझे। ये सब बात में रखना, बेस्ट आप बेस्ट हो, आप ये हो, आप वो सब मुझे नहीं चाहिए। आपकी बटरिंग, आपका लाइन, आपका चीजें सब साइड में रखो। इफ हैव दैट गट्स, प्रूव मी, शो मी योर हैप्पीनेस दैट यस सर, ये रहा देखो CSIR, दैट स्माइल वो चाहिए। यस ये रहा DBT, ये रहा गेम, ये रहा मेरा इंट्रेंस जो मैं चाहता था, ये रही मेरी PhD, ये रहा मैं यहाँ पे, ये चाहिए मेरे को। दिखा सकते हो लाके, दम है, गट्स है, बिलीफ है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं। अगर बिलीफ है तो करके दिखाओ, अगर गट्स है तो फोड़ के दिखाओ, अगर जज्बा है, जुनून है तो आसमां से सितारे जमीन पे ला के दिखाओ। जो ड्रीम है, सपना आपका CSIR, उसे फोड़ के दिखाओ, लेके दिखाओ और बताओ कि यस आई डिड इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पास वो सारी एनर्जी, सारा नॉलेज, सारा स्किल, सब कुछ है, बस मुझे उसे अप्लाई करना है। मेरे पास वो सब कुछ है, मेरे अंदर है, मैं दुनिया के पीछे क्यों भागूं, सारा जमाना मेरे अंदर है। तो वो सारा जमाना, सारी एनर्जी, सब कुछ आपके अंदर, आपके ब्रेन, आपके मन में बैठी हुई है। यूज दोज थिंग्स, दोज एनर्जीज, दोज पॉजिटिव एनर्जीज, दोज मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस, जिद, सब कुछ आपके अंदर भरी पड़ी हुई है, उसको यूटिलाइज करिए, पिन पॉइंट पे लाइए और सारी एनर्जी को समेट के अपने सामने इस तरीके से रखिए कि वो आपको सूरज की तरह चमकने के लिए मजबूर कर दे। इतनी एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है, सिर्फ उसको अपने अंदर समेटना है और एक सही डायरेक्शन में लगाना है। जो ये एनर्जी अलग अलग दिशाओं में भटक रही है, उसको एक्यूमुलेट करिए और एक दिशा में लगाइए। अगर आपका जो किस्मत है, या आप कह सकते आपकी जो कामयाबी है, वो आपके घुटनों पे आके ना चमके तो कहना फिर डेफिनेटली होगा। मेहनत करके तो देखो, फोकस्ड बन के तो देखो, परसिस्टेंट बन के तो देखो, कंसिस्टेंट बन के तो देखो, सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। एक बार करके देखो, लेजर लाइक फोकस होना चाहिए जी, बिल्कुल। चलिए, सो होप कि मेरी जो ये बातें हैं आपके दिमाग में घुसी होंगी और आपको मजा भी आया होगा। और अगर आपको मजा आया तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए और फोड़ के दिखाइए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका फीडबैक वीडबैक सब साइड में चाहिए, तो बस ये फील, ये स्माइल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जरूरी होता है कभी कभी। DBT का एग्जाम आने वाला था और कभी कभी आप लो फील भी करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ कुछ बातें जरूर कर लूँ, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं कभी कभी डूबते को तिनके का सहारा, अंधे की लकड़ी, या कभी कभी एक बुझती हुई चिराग जैसा बन के आता है। और ऐसे छोटी चीजें हमें हमारे अंदर से वो स्पार्क निकाल देती हैं कि जलने पे खुद कैंडल को आपने थोड़ी सी आग लगा दी, अब वो कैंडल अब खुद जलेगा। वही काम अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनअकैडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए, और यूज करिए रेफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।